भाई लोग शुरू करें। क्या लाए हो इसमें, क्या लाए हो? अच्छा सही है, सही है, गुड। रह गया था क्या ये? अच्छा ब्लैक वाले लाए हो, ठीक है, वो है वहाँ पे पड़े हुए, ठीक है ठीक है। कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? रोल बार। चलो फिर पीछे को चलते हैं सारे। हाँ हाँ यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। चलो जी चलो। सो भाई ये ना एक ऐसी चीज़ है जो कि जर्नली मिलती नहीं है, बड़ी कम मिलती है। ये जितना भी सामान लग रहा है हर दुकान पे नहीं आपको मिलेगा, ये आपको ढूंढना पड़ता है। तो अगर आपको ढूंढना ही है तो ढूंढने से अच्छा है फ्यूचर 4x4 पे लगवा लो। और ये लड़के सारे लगे हुए हैं काम करने के लिए, इधर दो लड़के इधर लग गए हैं। आशीष भाई ने कहा है कि 2-3 घंटे में काम करा देंगे सारा। और ये इधर ये साइड स्टेप खोलने के लिए भाई लग गया है। ये पूरा ना ये ऐसे मतलब टेढ़ा हो चुका है, ये साइड स्टेप नया लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी रिवो वाला ब्लैक किट लग रही है। और पीछे दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है पीछे। हाँ जी भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये विनाइल के ऊपर नहीं चिपक नहीं रहा। हाँ जी ठीक है, इसे हटा दो, बाद में लगा लेंगे। हाँ ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट लगा दो भैया, ये वाला पार्ट लगा दो, सिर्फ ये लगा दो बस। ये निकाल के अंदर रख दे, जब ये निकालेंगे ना। हाँ हाँ वो लगा लो आप, ये सबको ब्लैक कर दो बस, ठीक है, ये बेस्ट है। हाँ ऐसे कर दो। चलो ये भाई रोल बार ये पूरी लगा के दिखाएंगे। ये लोहे की तार से क्या होगा? हाँ अच्छा वायर है, अच्छा वायर जाएगी अंदर। कपलर टू कपलर बनाना जो भी बनाओ, है ना? अरे हैं, ठीक है जी ठीक है, आप करोगे तो परफेक्ट ही रहेगा। बिल्कुल 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 भाई, ये चीज़ ड्रीम थी मेरा, ये आज जाके लगी है इतने लंबे समय बाद। बस अभी ये देखना है कि टॉप फ्लिप खुलता है क्या। इसको लगा के देखूं, खोल के ऊपर को अट तो नहीं रहा, अटकेगा? हाँ तो फिर रोल बार वैसा कोई लगाना पड़ेगा जो अटके ना, क्या कहते हो? कैसे सेट करेंगे इसको? नहीं तो थोड़ा बाहर को आग को कैसे निकालें, ये सोचना पड़ेगा। चलो भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, देखते हैं अब इसको सेट कैसे करना है, क्योंकि रोल बार अगर अटकेगा तो फिर दिक्कत करेगा ये खोलने बंद होने में। देखते हैं क्या होता है, चलो चेक करते हैं अभी। चलो जी चलो खोलूं, इतना ही खुलेगा है ना? ठीक है फिर कोई नहीं, इतना ही खुलेगा फिर, और क्या, इतना तो खुले, पूरा ना खुले कोई दिक्कत नहीं, पूरा खोलने की मुझे ज़रूरत पड़ती भी नहीं वैसे तो। भाई ये अज़ूम के फॉग लैंप हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हाइलक्स में टिक सकते हैं, कोई और फॉग लैंप नहीं टिक सकते। ये रहा वो फॉग लैंप, इसकी बिल्कुल फिटिंग पूरी अज़ूम की ही सिर्फ है जो सेट आती है हाइलक्स और फॉर्चूनर में, और कोई भी फिटिंग नहीं सेट आती। और इधर है रॉक स्लाइडर लग रहा है अपना, ये देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा है लेट के यहाँ पे रॉक स्लाइडर लगाने के लिए। हाँ गंदा है, हाँ मिट्टी बहुत है भाई, ऑफ रोड बहुत होता है ना इसलिए भाई मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे इसके क्लंप होते हैं जहाँ पे इसको लगाना होता है। हेल्प चाहिए कोई? अच्छा ऐसा रहेगा ये, ओके चलो जी लगाओ लगाओ, फिर देखते हैं जब लग जाएगा कैसा लगेगा। अच्छा ये परमानेंट फिक्स कर रहे हो, सही है सही है भाई, चलो कर दो कर दो कर दो। ये भाई लोग लंच करने के लिए रुके थे, अभी लंच हो गया इनका सबका। हाँ जी भाजी, हाँ जी लंच हो गया, चलें अब मुझे भी घर भेजो जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो भाई ये भैया की वर्कशॉप एक बार फिर से देख लो, बड़ा छोटा ऊपर नीचे सब सामान ही सामान रखा हुआ है। आयरन मैन कंप्लीट रेंज पड़ी हुई है यहाँ पे, जीप का ये थार का सामान भी पड़ा हुआ है और हाइलक्स का भी सारा सामान पड़ा हुआ है, थार की बैक का भी सामान पड़ा हुआ है। और भाई ये लाइटें वाइटें भी सब तगड़ा सिस्टम पूरा है, देख लो इतनी सी जगह पे सारा कुछ सजाया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट फिट है। हाँ जी सर बहुत अच्छी वीडियो आ रही है आपकी, चलें जल्दी घर भेज दोगे मुझे आज? घर भेज दोगे? पहुंच जाएगा। अरे पुणे पहुंचना है, अंधेरे में भेजोगे?
इधर भी सामान पड़ा है भाई रीवो का, ये देखो ये भैया के खुद के सॉल्यूशंस हैं बनाए हुए, ये ट्राई फोल्ड है, ये शटर है, ये मैनुअल शटर है, वो ऑटोमेटिक शटर है, और ये जी आर किट है, ये जी आर स्टेयरिंग वाला है जो, ठीक है, ये भाई पैरों में रखते हैं वो है, ये डिग्गी पे लगता है, ये ब्लैक किट है पूरी, ये फेंडर फ्लेयर्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या मतलब सब कुछ है। क्यों भाई दो आपको कॉफ़ी? नहीं कॉफ़ी नहीं चाहिए। लेमन टी? ना गाड़ी चाहिए, गाड़ी तो चलती है, गाड़ी फिट करना है सामान, तो चले भाई नीचे चले, चलो फिर आओ चलते हैं, चलो। सो भाई खाना पानी करके सारे वापस आ गए हैं गाड़ी के पास, और अब गाड़ी का फाइनल टच का काम होगा, और गाड़ी गंदी देख लो कितनी हो रखी है, ये पूरी मिट्टी इस पे जमी हुई है, और मैंने अभी स्टेयरिंग ऑयल फुल किया था, उसका वीडियो नहीं बनाया, ये देखो यहाँ ऑयल गिरा हुआ है, और सबसे मेन चीज़ दिखाऊँ मेरी गाड़ी की जो ये है ना बेल्ट, बेल्ट पतली हो चुकी है क्योंकि स्टेयरिंग पे लोड है तो इसके बेल्ट पे लोड आता है, बेल्ट पे लोड आने से बेल्ट पतली हो जाती है, क्यों भाजी? सो अब फाइनल टच देना है, और हाँ स्पॉइलर लगाना है। ये रही रोल बार, ये ऐसे पड़ी है कुछ, अब ये इस पर फिट होएगी, बल्ब ऑन ही छोड़ गए थे चाचा, बल्ब ऑन छोड़ गए थे क्या, बल्ब ऑन छोड़ गए थे। सो इधर वाला ये लग गया भाई, ये चीज़ बढ़िया रॉक स्लाइडर लग गया गाड़ी पे, अब टेंशन कम है अपने को, ज़्यादा टेंशन नहीं है, और ये देखो ये भी मैट फिनिश हो गए हैं, मैट फिनिश का हो गया ये पूरा, और ये ठीक है, और यहाँ पे फ्लेयर्स लगने हैं, फेंडर फ्लेयर्स, बट वो लग नहीं पाएंगे अभी क्योंकि अपनी गाड़ी अभी जो लिखा हुआ है फिर वो मिट जाएगा, सो फेंडर फ्लेयर्स बाद में लगा लेंगे, ये बचा हुआ सामान लगाना है, ये भी अभी बाद में लगेगा, ये भी नहीं अभी लग पाएगा अपना, इसको भी टाइम लगेगा अभी लगने में, ये तो जी आर किट की आ गई थी गलती से, इसलिए इसका रेड डिफरेंट है, उसका रेड डिफरेंट है वैसे, है ना भाई, होल कर रहे हैं अंकल जी इसमें, और पता नहीं कब तक टाइम लगेगा अभी, अब जल्दी हो जाएगा, अब तो जल्दी हो जाएगा, अब तो थोड़ी देर का काम है, पानी गिरना पानी, अंकल डांटेंगे फिर तुझे, पानी नहीं गिरेगा, नहीं उस्ताद जी, दो होल आगे दो पीछे, फिर चाहे इसके साथ कोई लटक जाए गिरेगा नहीं, सही है, गाड़ी ला देगी, हाँ बिल्कुल, बस बात मतलब तुम्हारे रोटी खाने की थी, बस रोटी खा के ये नहीं बताया हम सोएंगे भी थोड़ा देर, सिर्फ ये बताया कि रोटी खाएंगे, ये नहीं बताया सोएंगे, है ना हजम यार, उसके लिए पाचन तंत्र के लिए तो सैर करनी पड़ती है, सोने से कब पचता है, सोने से खाना पचता है कोई दादा, इन्होंने सोच तुम सबने सोचा कि अगर भाई को ये बता दिया कि हम रोटी खा के सोते भी हैं तो ये कहेगा अभी लग जाओ, ड्रिल पाना उठाओ भाई, ड्रिल पाना उठाओ दो अंकल को भाई, ये वो मशीन है जैसे रिबट गन होती है ना, और इसमें ये वाला बोल्ट जाता है, कौन सा दिखाना, जो ये वाला बोल्ट है ये पहले इसमें जाएगा, इसमें डल के, अभी डाल के दिखाना अंकल, इस तरह से फिट करेंगे और इसमें डालेंगे, जिससे कि गाड़ी में नट बोल्ट सही से फिट हो सके और गाड़ी में चू चू की आवाज ना आए, क्यों अंकल सही बात है ना, मारो जी मारो, या जल्दी आओ भाई, कोई काम पेंडिंग है वो कर लो, सबका काम खत्म, इसमें सामान रख लेंगे फिर, थोड़ी देर का काम है वो तो, चलो जी करके दिखाओ जरा दर्शकों को, ये जान लगा दी, यस अब ऊपर को खींचना है, ये अरे 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 रह गया, फिर से आ गया, आया आया आया, आ गया आ गया आ गया, ए बस चलो जी, ये हो गया,
निकालो अब इसको, चलो दिखाना। ये देखो जी, ये लग गया इसके अंदर। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी दोनों लगे हुए हैं, मैं दोनों दिखा देता हूँ। इधर वाली साइड, ये भैया फोन चला रहे हैं बढ़िया मजे में, क्यों भाजी? ये देखो, ये रहे 1 और 2, इसी तरह से उधर लगाए। सेम पीछे भी लगेगा ना ऐसे ही, सही है। अरे यार बिट टूट गई, आप तो अरे व्लॉग में गाली आ रहा है, व्लॉग में अंकल गाली आ गया आपका। जाने दूं ऐसे ही, जाने दूं ऐसे ही, जाने दूं। ए मक्खी मार रहा था भाई यार, इसके चक्कर में अंकल को भूल पड़ गई, और पटक्की आवाज आई और उधर पटक्की आवाज आ गई। अरे बिट तोड़ दिया अंकल का इसने, भाई ने, भाई फुल मस्ती कर रहे हैं ये लोग, बिट पे बिट तोड़ रहे हैं। देखो अभी ये नई बिट लगाई है। चलो भाई अब नहीं टूटेगा, अब ऐसे ही जाएगा। गया गया, हो गया। ऐसे इतना काट देगा इधर, नहीं भी कटे तो भी चलेगा, मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे इतना ही खोलना है, जरूरत ही नहीं है इसको खोलने की, क्योंकि सेंस ही नहीं ना कोई ऊपर खोलने का, क्या ही सेंस है। एक बंदा चढ़ाओ, सामान रखवा दो बस। चलो भाई, रोल बार का फाइनल टच हो रहा है और फिक्स हो रही है प्रॉपर। भैया वो आगे से पूरी अंदर होनी चाहिए, बाहर निकल रही है, कर देना उसको, है ना। हाँ ये पूरी अंदर हो, है ना, दोनों तरफ से, तभी फायदा है इसका। भाई लग तो बड़ी सुंदर रही है यार, फाइनली अपनी गाड़ी पे रोल बार लग गई। तुम सबको पता ही है कितने लंबे टाइम से मैं रोल बार के चक्कर में था, कोई मिल ही नहीं रही थी अच्छी, तो फाइनली अब यहीं पे लगनी थी ये, और यहीं पे लग रही है। तो भाई इस छोटी सी चीज़ ने हमें अड़ा रखा है, बाकी काम सारे हो गए हैं। अब फाइनली आशीष भाई आए हैं, एक बार देखेंगे क्या होगा इसमें। यहाँ से ये अंदर जाएगा होल, थोड़ा सा इसको पीछे से कम करेगा, थोड़ा सा बेटा लाइट दो ना उसको, बल्ब लगा, बल्ब लगा। हाँ हाँ आ गया, ऊपर ले, नहीं यही जाएगा बेटा, इतनी जगह नहीं है इसमें, से नट कैसे डालेगा। हाँ बस प्लास्टिक का ब्रैकेट खोले कौन? देख रहा है? उसको हो जाएगा। पर देख वो प्लास्टिक खोलने के लिए ना, देखो ये पूरा खोलना फिर ये खोलना, इतनी मदद मारी करे कौन? इधर मिला स्पीड में, अब हिलाना नहीं, कोई रोल बार भी कोई हिलाना नहीं। चौदह का
फाइनल शॉट है भाई, अब तो पक्का लग जाएगा क्योंकि अब नट सारे सही जगह पर बैठ गए हैं और अब ये लगना चाहिए। चलो चलो चलो, इसको नीचे बंद कर लो। हाँ, इसे बंद कर लो, टॉप फ्लिप को बंद रख लो। गया गया, आया आया, आ गया आ गया आ गया, क्या हाल है भाजी? ठीक हो? बढ़िया। इसमें लेट के जाना, वो बंदा जा सकता है ना आराम से। ये आ जाएगा भैया, ये होल ठीक है। फाइनली भाई रोल बार फिट हुआ, सेट आ गया बिल्कुल सही से। खोल के करने में आराम से आ ही जाना था सेट। भैया ये खोलना यानी कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये मेरे को लगा ये इस पे ही है खाली, नहीं इस पे नीचे अंदर डब्बे भी है। अंदर डब्बे है, वो चीज है। चलो फिट हो गया, परमानेंट काम हो गया। अब ये चू चू नहीं कर सकता बिल्कुल भी, चू पू की कोई आवाज नहीं आएगी। जय श्री राम। रोल बार लग के मजा बहुत आ रहा है गाड़ी देख के, बिल्कुल एक नंबर। पूरा बंद हो जा, नहीं हुआ, नहीं ऐसे नहीं होगा ये। हाँ, ये अब खोलना पड़ेगा इससे, चाबी से। मेरे पास नहीं, आ गई है शायद, चाबी से खोलना पड़ेगा। ये इधर लॉक हो गया ना इसे। हाँ जी, लॉक इसी में होता है ये। हाँ, ये देखो इसकी वजह से नहीं हो रहा शायद ये, इसको ऐसे नहीं, अच्छा ये तो बाहर ही है। हाँ, एक बार खुलेगा ना उधर को। हाँ हाँ जी, बस खुल गया। अब इस पे आप वो रखो, ये क्यों नहीं बंद हो रहा, कहीं तो दिक्कत है। खोलना भैया एक बार, मैं बताता हूँ, एक बार खोलना उधर को, उधर को। हाँ जी, उधर को ही है। एक मिनट, बस हो गया, खुल गया। यहाँ कहीं दिक्कत है, नहीं हो रहा है। तो ये चल रहा, ये हाँ ये, हाँ ये है। हाँ, इधर से हो तो रहा है, इधर इसका काम तो इधर है, ये हो रहा है काम इधर। हाँ ना, ये हुआ नहीं, यहीं अड़ रहा है ये इधर कुछ पकड़ रहा है, यहीं कोई दिक्कत आई है इसमें, इसी साइड वाले में। उधर वाला ठीक, उधर को हो जाएगा, उधर को, उधर को। हाँ जी, बस छोड़, हो गया, ये आधा हो गया। अच्छा, इसको जोर से करके देखो। अभी देख, नहीं ये हुआ बाहर से। हाँ, ये कुछ है नहीं, ये क्या नया हो गया रोला। उधर से कुछ रह तो नहीं गया पेंडिंग? हाँ, ये बंद नहीं है। हाँ, ये बंद नहीं था भैया। हाँ, अब देखो। हाँ चलो, अब इसको लगा के देखते हैं। डन भैया, हो रहा है, इजी इजीली हो रहा है। अब फिट कर देते हैं। उधर कोई घूमेगा भैया? बस घूमता ही नहीं है, घूम गया। जय श्री राम। हुआ, हो गया, नाइस। अब हो जाएगा फिट ये भाई, पक्का काम हो रहा है इसका भी। सिलिकॉन लग के फुल टू सेट हो जाएगी। चलो की चाबी नहीं है, फिर गया। तीन थार की चाबी, तीनों थार तो अंदर आ गए ना, ऊपर गए होगी चाबी। बेटा
सिलिकॉन से पक्का हो जाएगा है ना। सही 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 सही। अच्छा दोनों तरफ फाइनली भाई सुबह में आया था, सुबह से लेके ना शाम हो गई, बट सारा काम अपना डन कर दिया भैया ने। जो जो चीज़ें नहीं लग सकी वो मैंने नहीं लगवाई, वो मैं बाद में लगवाऊंगा, क्योंकि अभी जाके ये रैप ने उतरना भी है। रैप उतरने के बाद की जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे यहाँ की क्लैडिंग हो गई, ठीक है, वो सब लगना पेंडिंग है, बाकी सब हो गया। जैसे ये देखो, ये लग गया इस पर, ये मैट फिनिश में हो गया है, ठीक है, और ये हो गया है रेन वाइज़र, क्या कहते हैं रेन वाइज़र ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये, जिसकी वजह से मैं तंग हो जाता था बहुत ज़्यादा, ये मेरा सोल्यूशन हो गया है। और ये भाई भाई ने ड्रीम पूरा कर दिया, फ्यूचर 4x4 ने लगा दिया फाइनली रोल बार, बड़े टाइम से पेंडिंग चल रहा था। और ये अपना बैग फिट हो रहे हैं गाड़ी में, ये भाई लोगों ने बड़ी मेहनत की है आज, थोड़ी देर सोए थे बट उसके बाद बहुत देर जगे रहे हैं क्यों अंकल तो भाई बैग वैग सब फिट कर दो, सब पैकिंग, हाँ ये सही से रखना जिससे कि दबे ना ये, है ना। और क्या हाल है भाई राजू, ठीक है। सो भाई चलो सारा सामान सामान देख लो, सारा सामान आ गया ना। हाँ हाँ आ गया, सामान आ गया। ये क्या है, नहीं वो लाइट इसका, नहीं नहीं अच्छा हाँ ये सामान सही से रखना पड़ेगा आपको। सुनो मैं बताऊं, नहीं ऐसे नहीं आएगा ये दबेगा, रुको मैं बताता हूँ क्या। एक मिनट हटाओ ये दोनों चीज़, हटाओ आप दोनों चीज़ हटा लो, बाहर निकाल लो, और वो पीछे से ना, वो पीछे से सामान को सारा साइड कर दो, इस बैग को आगे जाने दो, इस बैग को इधर आने दो, फिर ये सामान इधर आ जाएगा, दोनों नीचे नीचे ही, वो वाला सामान सारा एक कोने में कर दो, ये बाहर निकाल दो बैग, एक बार बाहर निकाल लो एक बार। फिट आ ही गया सामान, कैसे तैसे तो आ ही गया, बट ये ना सोल्यूशन, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये तंग करता ही करता है सामान की वजह से ना, साइड की जगह सारी खा जाता है, ये मेन है। चलो करो बंद, देखते हैं हो रहा है क्या, नहीं ये बंद करोगे पहले, नहीं भैया स्कूप ना खराब हो जाए। चलो हो गया डन है। सो भाई फाइनल लुक गाड़ी की कुछ ऐसी निकल के आई है, ये देख लो, बढ़िया भाई, रोटी रोटी खा के लग गए थे सही से, अब काला कर रहे हैं पेंट से उसको, नट को, है ना, कर दो मैच, कर दो पूरा मैच कर दो। और यहाँ साइड से दिखाऊँ, ये बड़ी सही लग रही है, ये देखो इस एक्स्ट्रा लाइनिंग है, ये सही लग रही है। और अब ये जैसे जितनी देर बंद रहेगी, इसकी जो सिलिकॉन है वो पूरी चिपक भी जाएगी इस पर ना, सिलिकॉन चिपक के फिर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, वो सीन है। तो ये भाई रोल बार, यार रोल बार लगने के बाद गाड़ी की लुक ही चेंज हो जाती है यार, इतनी सी चीज़ है, और मतलब ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी लिफ्टेड है यार, है ना, ऐसा लग रहा है लिफ्ट, क्योंकि ये भी लग गया, ये भी लग गया, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है भैया। पर आपने भी आज पसीना पूरा लगाया, पूरा खून पसीना एक हो गया भैया, बैठा बहुत अच्छा ही है, ये पूरा इतना क्लियर बैठा ना, इसका मजा आ गया देख के इसको, तो ये है 2 घंटे का काम। हाँ अरे बिल्कुल, इसके साथ हमको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, ताकि हम ये चाहते कि हम इसको निकाले नहीं, हाँ अल्टीमेटली निकालना ही पड़ा बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, फिटमेंट जिसकी होती है ना, वो दूसरे बंदे को दिक्कत आती है, वो चीज है, हाँ मैनेजेबल था, सही बात है। तो भाई हाँ, अरे ये देखो अजूम जाता है सीधा बजता हुआ, और ये जूम ही होना है, ये देखो ये बंद है यहाँ से मेन लाइट, ये सिर्फ जूम की लाइट है, ये देखो बिल्कुल सीधी जा रही है भैया, ये चीज ही ये है। फ्रंट ग्रिल अपनी गाड़ी की चेंज हो गई है, नेक्स्ट रील्स जो कोई भी देखेगा फ्रंट ग्रिल पे टोयोटा दिखेगा उसको, पहले तो मेरा नंबर ही भैया नोट होता था बस, मेरे से मैसेज पे लोग पूछते थे यार ये नंबर कहाँ से लिया है, मतलब कई लोग कहते हैं इंडिया का नंबर ही नहीं है, फॉरेन में चलते हैं ना ऐसे नंबर, वो है
सो गाड़ी की वैसे ना असली लुक मैं दिन में इनको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी से रेजोल्यूशन नहीं सही आएगा। अभी बस इतना लोगों को हमने बताया कि भाई लोग हम जा रहे हैं अब पुणे मीटअप के लिए, सो निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू भाजी, थैंक यू। तो भाई भैया का इतना सुंदर ये जो प्लेस है ना, इसमें से बहुत सारा सामान अभी मैंने लगवाना है, बट इंडिया ट्रिप की वजह से मैं लगवा नहीं पा रहा, पेंडिंग रह गया। टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा, तो अभी क्या है कि अभी मैं चलता हूँ भैया, तो इंडिया मीटअप्स पूरे करता हूँ, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू नितेश जी। और आई एम 100% श्योर नितेश जी, आपका ये ट्रिप बहुत फ्रूटफुल और बहुत इंजॉयबल होने वाला है। बिल्कुल भाजी, थैंक यू। अभी तक भी जो आपने मेरे को वीडियोस बताए हैं, हाँ जी, इट लुक्स वेरी एडवेंचरस। बिल्कुल, इट लुक्स वेरी एडवेंचरस। हाँ जी, अभी आगे और तगड़ा होने वाला है सीन, होगा होगा 100%। चलो भाई, ओके, बाय बाय, आज का व्लॉग यहीं तक है। सो भाई बाय बाय, आप सबको भी थैंक यू, काम किया आपने मेरे साथ खड़े होके सारा दिन। चलो ठीक है भाजी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके भाजी, कीप इन टच, थैंक यू।